नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में 24 घंटे में 60,753 नए केस आए सामने, 1,647 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में शुक्रवार को लगभग 19 लाख कोरोना जांच हुई, अब तक लगभग 38 करोड़ सैंपल की हुई टेस्ट, आईसीएमआर ने दी जानकारी। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस घटकर 7,60,000 पर पहुंचे, रिकवरी रेट बढ़कर 96.16% पर पहुंचा। मुंबई में हाई टाइड का अलर्ट, कई इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार। डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में कोविड-19 का डोमिनेंट स्ट्रेन बन गया, WHO ने दी जानकारी। नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, कोरोना से जूझ रहे थे, शुक्रवार को ली अंतिम सांस। शुक्रवार को शहर में सामने आए कोरोना के 55 नए मामले, वही एक कोरोना संक्रमित ने गवाई जान। ट्रैफिक देखकर सड़क पर उतरे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अतिक्रमणकारियों को लगाई फटकार। अनलॉक के तहत जारी हुई नियमावली, शहर और जिले में 21 से लागू होगी नए नियम, 8 बजे तक मिली राहत। शहर में अब 30 प्लस का वैक्सीनेशन अभियान, शनिवार से शुरू हुआ अभियान, ऑनलाइन पंजीयन जरूरी। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही, ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।